काम करके ज्यादा परिणाम हासिल करना चाहते हैं? डू यू वांट टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स? जब पहली बार किसी ने यह सवाल मुझसे पूछा था ना, यू मैंने हाथ खड़ा कर दिया था, यस यस यस, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। और मुझे मालूम है आपका जवाब भी हाँ ही होने वाला है। और ना मुझे हमेशा से एक बात लगा करती थी यार, हर इंसान जिंदगी में ऑन एन एवरेज 10-12-14 घंटे ही काम कर सकता है, लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी ये हार्डवर्क 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 करते हुए सालों तक लगे रहते हैं, रोज 10-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी दे कीप स्ट्रगलिंग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में हर काम कर लेते हैं यार, 10-12 घंटे सेम है उनके पास भी काम करने के, लेकिन एक के दूसरी दूसरी से तीसरी अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, फैमिली को भी टाइम देते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं, घूम भी लेते हैं, और उसके साथ साथ बिजनेस भी अच्छे चल रहे हैं, जॉब भी अच्छी चल रही है, क्लास में नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। कई साल लगे, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए, यूएस गया, सिंगापुर गया, यूरोप गया, इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि कैसे मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाऊं। आपको पैसिव इनकम के आइडियाज के बारे में नहीं बताऊंगा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बिजनेस बदल लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए नहीं बोलूंगा। जो करते हो वो करते रहो, जहां भी आप हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, आप अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो में बने रहिएगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका अपना खुद का बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हैं, नेटवर्क मार्केटर, डायरेक्ट सेलर, इंश्योरेंस एजेंट, बैंकिंग में हैं, आप कुछ भी करते हो, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 कमाल के प्रूवन सिंपल टू इंप्लीमेंट आइडियाज एंड इनसाइट्स जो आपको देंगे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट, कम काम में ज्यादा परिणाम। Hi, this is your friend Deepak Bajaj, number one best-selling author, direct selling trainer, speaker and coach. और अगर आपको कम काम में ज्यादा परिणाम चाहिए तो आपको एक कहानी बता रहा हूं, उस कहानी को आप ठीक से समझिएगा, आपको अपने आधे से ज्यादा जवाब यहीं इस एक कहानी में मिल जाएंगे, बाकी जवाबों के लिए अगले 5 पॉइंट हैं। एक बार ना एक बहुत बड़ा क्रूज शिप था, ह्यूज क्रूज शिप, जैसे वो स्टार क्रूजेज होते हैं या रॉयल कैरेबियन क्रूजेज होते हैं, उस क्रूज पे करीब 3-4 हज़ार लोग थे, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के पैसेंजर्स थे। और क्रूज़ क्या होते हैं, रात को चलते हैं और सुबह किसी पोर्ट पे आकर रुक जाते हैं, और सारा दिन लोग उस पोर्ट पे साइट सीइंग करते हैं और रात को वापस आ जाते हैं, और वहां से फिर शिप चल पड़ता है। क्रूज़ की अपनी आइटिनरी थी, अपना एक प्लान था, 4 नाइट 5 डेज, और तीसरा दिन था ये क्रूज़, अब शिप रुक गया था और लोग धीरे धीरे वापस आ रहे थे घूमने के बाद, अब क्रूज़ को फिर से चलना था, और जो क्रूज़ के कैप्टन और इंजीनियर्स थे उसको चलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्रूज़ शिप का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ऑल द इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, अदरवाइज वो एक बटन दबाते थे और क्रूज शिप स्टार्ट हो जाता था, लेकिन आज स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जितना भी वो जानते थे, जो जो मशीनरी टूल्स का यूज करके जो जो वो खोल के सब चेक कर सकते थे, उन्होंने सब कर लिया, बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट। एंड कैप्टन तक बात पहुंची और कैप्टन चिंता में आ गए, क्योंकि अगर इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो शिप का सारा प्लान बिगड़ जाएगा, जो भी टूर प्लान था, प्लस इंजन से ही उनकी शिप में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, जो 4000 लोग शिप पे हैं उनको लाइट, एसी, रोशनी, सारे फंक्शंस, गीजर्स, एवरीथिंग इज रनिंग विद दैट इंजन, एंड दैट वो इंजन अभी बंद पड़ गया। कैप्टन स्टार्टेड पैनिकिंग, राइट, उसकी हवा खराब है कैप्टन की, और वो बोल रहे हैं कुछ भी करो लेकिन ये इंजन ऑन होना चाहिए। अभी वो कह रहे हैं सर हम जितना प्रयास कर सकते थे ना, शिप का जो स्टाफ था हमने तो कर लिया, अब एक काम करते हैं, जिस पोर्ट पे हम रुके हैं वहाँ पे रोज़ पता नहीं कितने शिप आते हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई टेक्नीशियन, कोई ना कोई मैकेनिक एक्सपर्ट ज़रूर मिलेगा हमें, तो ढूंढ के आते हैं। तो जल्दी से उन्होंने चारों दिशाओं में लोगों को दौड़ा दिया, यार आप जाओ जाके देखो, और कहीं से कोई भी टेक्नीशियन मिले, किसी भी कीमत पर मिले, कैसा भी, कुछ भी मांगे, उसको आप ले आओ बस। और ढूंढ ढांड के ना इंजीनियर्स ने एक टेक्नीशियन ढूंढ लिया, एक मैकेनिक को ढूंढ लिया, और उससे पूछा, वो बोला हाँ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो अपनी वो टूल किट लेके आ गया। और जो वो इंजन रूम था वहाँ कैप्टन भी खड़ा है, बाकी सारा स्टाफ भी है, सबकी हालत ख़राब है। और अब ये जो मैकेनिक आया, इसने बोला सर मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ लेकिन पैसे अच्छे खासे लगेंगे। कैप्टन की हालत खराब, और बोला कितने भी पैसे तुम्हें चाहिए तुम मुँह से बोलना, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, लेकिन मुझे ये शिप अभी का अभी 10 मिनट में स्टार्ट करके दो।
वो बोलता सर 10 मिनट तो गारंटी नहीं दूंगा, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा स्टार्ट करने की। और उसने अपना हथौड़ा निकाला और अलग अलग जगह पे ना उसने मारना शुरू किया, यूं लाइक यहाँ मार रहा है, वहाँ मार रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। और एक जगह उसने हथौड़ा मारा और कुछ हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई यार। और उसने जोर से हथौड़ा देके मारा उस जगह पे, उस एक पॉइंट पे, और वहां से क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन इंजन स्टार्ट हो गया। ओ माय गॉड, लाइक यकीन ही नहीं हो रहा था कैप्टन को, स्टाफ को, कि सच में ऐसा हुआ। और उसने कुछ खास नहीं किया, एक हथौड़ा उसने बस मारा उस मैकेनिक ने और इंजन स्टार्ट हो गया। और कैप्टन को लगा शायद कहीं ये गलती से नहीं हुआ, उसने बोला इंजन को ऑफ करो फिर से स्टार्ट करो। और उन्होंने ऑफ किया इंजन और फिर से स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट हो रहा है, 4-5 बार स्टार्ट किया। और उसने बोला यार 10-15 मिनट इसे स्टार्ट रहने दो यार, उन्हें लगा बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उस आदमी ने एक एक हैमर के वार से, हथौड़े के एक वार से उसको ठीक कर दिया। और उसने मैकेनिक ने बोला साहब ठीक है सर, आपका काम बन गया, आप मुझे मेरी फीस दे दीजिए और मैं निकलता हूँ, आप अपने क्रूज शिप को लेके जाइए। तो कैप्टन अपने रूम में चला गया और उसने बोला हाँ ठीक है, आप बताइए कितने पैसे देने हैं और मैं आपके लिए अरेंज करा देता हूँ। तो मैकेनिक बोलता है मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। और सब लोग हैरान है, तो आया मैकेनिक और उसने एक हथौड़ा मारा और उसके 5 लाख रुपये। तब वो दौड़ते हुए कैप्टन के पास गए, कैप्टन मैकेनिक तो 5 लाख रुपये मांग रहा है। कैप्टन बोल रहा है ऐसे थोड़ी होता है, एक हथौड़ा मारने के 5 लाख रुपये थोड़ी होते हैं। लेकिन अब कैप्टन ये बोल चुका था कि जितने पैसे तुम मांगोगे उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। अब कैप्टन के पास कोई चॉइस भी नहीं है, अब कैप्टन पूछ रहा है लोगों से क्या किया जाए, हमारी बात भी रह जाए और इतने पैसे भी ना देने पड़े। तो उनके अकाउंट्स टीम के हेड ने एक सलाह दी, सर आप एक काम करिए, उनको बोलते हैं आप हमें एक बिल बना के दे दें आइटम बाय आइटम, किस चीज़ के कितने पैसे आप मांग रहे हैं। तो वो मैकेनिक के पास अपना एक छोटा सा बिल बुक था और उसने हाथ से लिख के बोला मैं बना देता हूँ। उसने हाथ से 2 लाइनें वहाँ लिखी और बिल बना के अकाउंट्स टीम को दे दिया। और वो जो बिल है उसमें जो 2 लाइनें लिखी थी उसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और अगर आप इस बात को समझ गए, आपकी ज़िंदगी में एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस बिल में पता है क्या लिखा था, आकर हथौड़ा मारने की फीस 1,000 रुपये, कहाँ हथौड़ा मारना है ये पता करने की फीस 4,99,000 रुपये। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, 5 लाख में से आकर हथौड़ा मारना, इसकी फीस 1,000 रुपये, हथौड़ा कहां मारना है उस पॉइंट को ढूंढना उसकी फीस है 4,99,000 रुपये। और उस इंसान को ये जो 5 लाख रुपये मिले थे वो इस बात के लिए नहीं मिले थे कि हथौड़ा मारना है, हथौड़ा कहां मारना है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसको पैसे मिले थे। आपकी भी जिंदगी में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको ढूंढना है हथौड़ा मारना कहाँ है, कौन सा वो एक काम है यार जिस पे अगर ताकत लगाई जाए तो परिणाम आ सकते हैं। हम लोग हथौड़े तो बहुत मार रहे हैं, खासतौर पे हम मिडिल क्लास लोग ना, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं और हमारे को शुरू से सिखाया जाता है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। लेकिन मेहनत किस चीज़ पे करनी है, वो एक चीज़ खोजना, वो आपको दुनिया के टॉप 1% लोगों में पहुंचा सकता है। सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनेगी, सही चीज पे मेहनत करने से बात बनेगी। अगर आप मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम परिणाम चाहते हैं तो फिर ढूंढ निकालिए क्या हथौड़ा कहाँ मारना है। दूसरी चीज, अगर आपको मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो एक शख्स थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो। और पैरेटो ने एक बात कही जिसको आज हम सब लोग पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जिसको 80-20 रूल भी कहा जाता है। और वो 80-20 रूल शायद आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको आज 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो 6 के 6 के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मालूम नहीं कौन सा वो एक पॉइंट क्लिक करेगा और आपको कम मेहनत के साथ, कम एफर्ट के साथ कमाल के बेमिसाल परिणाम देगा। तो पैरेटो प्रिंसिपल क्या है, इसे बोलते हैं 80-20 रूल, 80-20 का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है, आपके 20% काम आपको 80% परिणाम देते हैं, आपके 20% काम आपको 80% परिणाम देते हैं। तो आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, अपने उन 20% कामों को ढूंढ निकालना। अगर आपने मेरी किताबें पढ़ी हो, आप मेरे ऑनलाइन कोर्स के पार्टिसिपेंट रहे हो और या फिर मेरी वर्कशॉप में आप आए हों, तो हम कई घंटे लगाते हैं सिर्फ एक चीज़ पे, क्या PDA, प्राइमरी डेली एक्शन ढूंढने के लिए। PDA क्या है, जो विल्फ्रेडो पैरेटो ने बताया आपको वो 20% काम, उनको मैं बोलता हूँ PDA। 3 ऐसे काम ढूंढ लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा परिणाम देंगे और रोज़ उन 3 कामों को करिए।
तीसरी चीज जो आपको करनी है, अगर आपको मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालने हैं, तो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन कॉज. डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन कॉज. मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करीब करीब 13-14 साल बिताए हैं, और एक चीज़ जिसके लिए नेटवर्क मार्केटर्स कामयाब नहीं हो पाते हैं, और एक चीज़ हर नेटवर्क मार्केटर करता है, वो क्या, एक गोल बनाता है, विजन बोर्ड बनाता है, पोस्टर लगाता है, फोटो लगाता है, और उस गोल को दोहराता रहता है. उस गोल को हासिल करने के लिए जो डेली एक्शन करने पड़ेंगे ना, उनको करने से परिणाम आएंगे. 100 में से 99 लोग गोल सेट करते हैं और उसके बाद उस गोल की पूजा करते रहते हैं, बस उसको दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं. गोल को रिपीट करने से परिणाम नहीं मिलेंगे. आपको एक सिस्टम चाहिए, डेली एक्शन चाहिए. कॉज पे काम करिए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक हैं. कॉज पे काम करिए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक हैं. जब मैं नेटवर्क मार्केटर्स की ट्रेनिंग करता हूँ ना, और मैं बोलता हूँ ड्रीम्स की बात मत करो, वर्क एथिक की बात करो, तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके अपलाइन पिछले 20-30 सालों से सिर्फ एक चीज की ट्रेनिंग करते हैं, क्या, ड्रीम 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 ड्रीम. और इसको ना बहुत बड़ा हवा बना के, ड्रीम बना के छोड़ देते. तेरे पास ड्रीम नहीं है तू खत्म है. आपको एक चीज बोलता हूं, तुम्हारे पास ड्रीम हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, तुम वर्किंग का सिस्टम बनाओ, तुम्हारी कामयाबी की गारंटी मैं देता हूं. व्हाई पीपल हु आर विद मी इन माय कोर्स Ultimate Network Marketing Mastery, Social Media Online Business Mastery, or my workshops or wherever, why they get amazing results. Dream is only one topic out of 90 topics that we cover. बस ड्रीम चाहिए एक डायरेक्शन के लिए, एक कंपस जैसा होता है, वो दिशा निर्धारित कर देता है, बाकी काम बनेगा सिस्टम से, वर्क एथिक से. तो कॉज पे काम करिए, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक है. नंबर 4, सिंपल है, सरल है, लेकिन मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट के लिए चाहिए. स्टे हाइड्रेटेड, पानी वानी पीते रहिए. जब आप लगातार पानी पीते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, बॉडी की सारी एनर्जी बरकरार रहती है, आपका ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी सिंक में कमाल का काम करते हैं. स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए लगातार, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा. नंबर 5, कीप मूविंग, एक्टिव रहिए. अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, तो एक वो वॉच ले लीजिए जो आपके स्टेप्स गिनती है, या बहुत सारे फोन्स में ये फीचर होता है, ऐप्स होते हैं. कम से कम 10,000 स्टेप आपको दिन में चलने हैं. एक्टिव रहेंगे ना, तो कम काम करेंगे, परिणाम ज़्यादा निकाल पाएंगे. और 6, दिखने में बहुत सिंपल लगता है, सरल लगता है, और परिणाम लेकिन कमाल के निकाल सकता है. यू शुड टेक गुड स्लीप एवरी सिंगल नाइट. रोज़ आपको अपनी जितनी ज़रूरत है ना, उतनी नींद ज़रूर लेनी चाहिए. अच्छी शानदार सुकून वाली नींद अगर आएगी, अगले दिन आपकी एफिशिएंसी ज़बरदस्त होगी. कम काम करोगे, कम घंटे लगाओगे, बेमिसाल ज़्यादा परिणाम निकाल पाओगे. तो मेरी तरफ से ये 6 कमाल के आइडियाज़ जिनसे आप मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाएंगे. और मेरा पहला आइडिया सबसे पावरफुल है, हथौड़ा मारना कहाँ है. और अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक यहाँ तक बने हैं, तो ये बात तय है कि आप इस बात की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है. इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको इन 6 में से सबसे अच्छा कौन सा प्रिंसिपल लगा. और इंस्टाग्राम पे मुझे बताइएगा क्या आपको मिल गया है हथौड़ा मारना कहाँ है. मेरे इंस्टाग्राम पे कोच दीपक इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. जस्ट गो टू माई अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम कोच दीपक, और मुझे डायरेक्ट मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मिल गया हथौड़ा कहाँ मारना है. जिसको मिल जाएगा ना, उसकी ज़िंदगी में कमाल हो जाएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में एक भी पॉइंट आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल. और मेरी पूरी टीम की तरफ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में लाखों लोगों के लिए 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी बनाने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद. पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में लोगों से चर्चा करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. आई वॉन्ट सी यू एट द टॉप. आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाएं और खूबसूरत जिंदगी का निर्माण करें. कीप शाइनिंग.